कहते हैं ध्रुव जी के ही वंश में महाराज पृथु का अवतार हुआ, जो कि साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं। बोलो पृथु जी भगवान की जय। उसके उपरांत में प्रियव्रतोपाख्यान, प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि। प्रश्न करते हैं, हे महाराज, प्रियव्रत तो भगवान के भक्त हैं, आत्मज्ञानी हैं, भागवत के रहस्य को समझने वाले हैं, फिर वो गृहस्थ के जंजाल में क्यों गए? सुखदेव जी कहते, राजन, हमारे यहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा समझ के पालन की जाती है। महाराज मनु ने कहा, पहले तुम वानप्रस्थ में मत जाओ, पहले गृहस्थ में जाओ, उसके बाद वानप्रस्थ में। तो उन्होंने विवाह किया अपने पिता की आज्ञा से, और उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के वंश में कुछ समय बाद ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान कौन है? जिनसे जैन धर्म चला है। हम रासलीला किया करते थे तब एक बात बहुत अच्छी हमारी श्रवणों में पड़ती थी, आज वो इस मंच से कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात थी, सिर्फ समझने वालों के लिए है। हैं सितारे कई लेकिन गगन एक है, हैं फूल कई लेकिन चमन एक है, संतान अनेकों हो सकती हैं लेकिन उनका पिता एक है। अरे लाश हिंदू की हो या मुस्लिम की, हमने तो देखा है दोनों का कफन एक है, हमने तो देखा है दोनों का कफन एक। अलग अलग तो हमारे कुछ लोगों ने कर दिया है अपने स्वार्थ के लिए, वरना हमारा जो मालिक है, हम सबका मालिक, भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। पहले जन्म का वर्णन, राजा भरत, समय होने पर जब लगा कि वृद्धावस्था नजदीक है तो अपना सर्वस्व त्याग कर जो है भरत जी महाराज वन में गए, और जब वन में गए वहां जाकर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक दिन एक अजीब दृश्य उनके सामने हुआ, एक मृगी आई है जो पूर्ण रूपेण गर्भ अवस्था में है, समय पूर्ण हो चुका है। उनके आश्रम के सामने जो जलाशय है, जल सरोवर है, उसमें वो जलपान करने लगी, और जैसे ही जलपान करने लगी कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज आई, और सिंह की दहाड़ना को सुनकर वो मृगी भयभीत हो गई, डर गई, तो भय की वजह से उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चा सरोवर के किनारे पर रह गया। लेकिन मृगी का भय अभी खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसने भय की वजह से, जान बचाने के स्वार्थ से सरोवर में छलांग लगा दी। कमजोर है, अधिक देर तैर ना सकी, तो उसकी वहां मृत्यु हो गई, और जब वहां मृत्यु हो गई, ये दृश्य भरत जी महाराज देख रहे हैं। अब सोच रहे हैं, इस मृग के बच्चे को कौन पालेगा, कौन पालेगा? और हमारी भी कंडीशन यह है, हम हर पल हर नेस यही सोचते रहते हैं, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को कौन पालेगा, नहीं सोचते, हाय हम चले जाएंगे तो क्या होगा, ये कैसे संभालेंगे, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कारोबार है, बच्चे संभाल भी पाएंगे कि नहीं, ये तो सब नुकसान कर देंगे। हमारी कंडीशन कैसी है जानते हो? एक ट्रेन के नीचे स्वान चल रहा था, रेल के नीचे स्वान चल रहा था, तो रेल जो है, ट्रेन जो है, स्टेशन से अभी निकली थी, तो धीरे धीरे जितनी स्पीड में स्वान चल रहा था उतनी स्पीड में ट्रेन चल रही थी, तो स्वान को क्या गलतफहमी हुई कि इस ट्रेन को मैं चला रहा हूं, क्या गलतफहमी हुई बोलिए, इस ट्रेन को थोड़ी देर चलता गया, थोड़ी दूर जाके सोचा, यार मैं तो बहुत देर से ट्रेन को खींच रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ी देर विश्राम कर लूं फिर चलाऊंगा, बैठ गया, और जब बैठा तो ट्रेन
निकल गई, और जब ट्रेन निकल गई तो उसका गलत जो भ्रम था, गलत फहमी जो थी, वो भी निकल गई। उसे बाद में होश आ गया कि ये ट्रेन मैं नहीं चला रहा था, कोई और ही था चलाने वाला। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। और जैसी गलत फहमी आप सबको है ना, वैसी गलत फहमी आपसे पहले भी रह चुके हैं बहुत लोगों को, वो भी यही सोचते थे मैं चलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है ना वो। जब चले गए तो फिर भी चल ही रहे ना सब। जैसे हम जब चले जाएंगे तो ट्रेन चलती रहेगी, क्योंकि ट्रेन को हम जैसा स्वान नहीं चला रहा, ट्रेन को तो चलाने वाला कोई और है। कौन है वो? करो कोई लाख पे करैया कोई और है। लाख सोचो तुम चला रहे हो, लेकिन ट्रेन को तुम नहीं, कोई और चला रहा है। और जिस जो ट्रेन चला रहा है उसका शुक्रिया अदा करना मत भूलना। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। धीरे बोलना वरना पड़ोसी सुन लेंगे, और पड़ोसी ने सुन लिया तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे। ऐसे बोलते हैं अरे तुम्हारा राम बलो करे चुप ब्रजवासी ने को नाम बदनाम कर रहे हो भैया, है ना कि जोर से बोलो राधे 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 राधे। अब तो लगे हो। अभी मैं कह रहा था राम लिखा पत्थर पे, पत्थर पानी बीच, बड़ी गड़बड़ हो गई जब पत्थरों से, पत्थरों के ऊपर राम लिखा और पत्थरों से सेतु का निर्माण कर दिया, रामेश्वरम सेतु बंधन हो गया। अब ये बात जब लंका में पहुंची, रावण व्यथित, रावण की सेना युद्ध करने से पहले परास्त हो गई, मनी मन हार मान ली, नहीं भैया अब कुछ नहीं हो सकता। जिसके नाम से पत्थर तर जाते हों, जब वो आएगा लंका में तो क्या हश्र होगा। आपसे भी जरा निवेदन, सोचिए डीप, अंदर तक सोचिए। जिसके नाम के सहारे से पत्थर तर जाते हैं, क्या उसके नाम से मानव नहीं तरेंगे? और अगर मानव तर सकते हैं तो हम लोग इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं उसके नाम की शरण में चले जाते हैं? बोलो राधे 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 राधे। रावण की सेना लड़ने से पहले हार गई, और रावण ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लड़ने से पहले ही हार जाना। तो रावण ने कहा अरे भाई क्या हो गया, क्या तुम लोग जो आपस में बातें कर रहे हो, किसी में हिम्मत नहीं रावण के आगे बोलने की। फिर भी एक बोल पड़ा हिम्मत करके, बोले महाराज मुझे तो लगता है अब आपको युद्ध का विचार छोड़ देना चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसके नाम से पत्थर तरते हो पानी में, वो भी समुद्र में, ऐसे व्यक्ति से शत्रुता करने में किसी का भलाई नहीं हो सकती। अरे बोले चुप कर, कौन सा तीर मार दिया राम ने, पत्थर तर गए तो कोई तीर मार दिया? मजाक किया एक ने, तो आप ये तीर मार सकते हो? अरे तो बोले कौन सी बड़ी बात है, पत्थर को मैं भी तैरा सकता हूं। सब लोग देखने लगे रावण को, ये और पत्थर तैराएंगे वो भी पानी में। एक ने कहा चलो तो दिखाइए महाराज। बोले चलो, दिखाने के लिए चले। पूरी सेना है, साथ में मंदोदरी। रावण ने पत्थर लिया, मुट्ठी में बंद किया और कुछ आंखें बंद करके कहा, सब लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्या होगा क्या होगा, पत्थर तैरेगा या डूबेगा, तैरेगा या डूबेगा, हश्र क्या होगा इस पत्थर का। इसी पत्थर के हश्र पर परिणाम टिका है, युद्ध का परिणाम। पत्थर को छोड़ा रावण ने, कुछ देर पानी में डूबा पत्थर। कुछ लोगों ने कहा एवं ही गल्ला कर देने, पंजाबी में एवं कहते हैं बेकार को। यहाँ ब्रजवासी भैया बैठे हैं ना, तो जो पंजाबी बैठे हमारे भक्त वो तो समझ गए होंगे, लेकिन ब्रजवासी भैयाओं के लिए कहूँ कि एवं कहते हैं बेकार को, बेकार झूठ बोल रहे हो, ऐसी
वो हमारे ब्रज में कहे ऐसी गप मारते रहे जन कहां ते कहां कहते रहे। तो वैसे ही बोले ऐसे ही कहते थे तर जाएगा डुबा दिया ना पत्थर को। अब आश्चर्यचकित घटना घटित हुई, उन्होंने ये लफ्ज पूरे भी नहीं किए उससे पहले ही पत्थर पानी में तैरने लग गया, पत्थर उभर के आया तैरने लगा। सब लोग रावण की जय जयकार करने लगे, भाई ये राम जी का कोई बड़कपन नहीं है तो रावण भी तैरा सकता है, सेना फिर तैयार हो गई युद्ध के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति को उसकी पत्नी जानती है, कौन जानती है व्यक्ति को? दो ही तरीके हैं जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दो ही मानव बाप, एक तो मां और एक पत्नी। मां जानती है मेरे बेटा कब झूठ बोलेगा और कब सांच बोलेगा, माए पता है कि मेरे बछड़ा के कितने दांत हैं, हैं? बोलो राधे 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 राधे। और पत्नी जानते है कब झूठ बोलते है कब सांच बोलते है, कब कौन थे कितनों घोंटू टेक के बोल के आए और कौन थे सच बोल के आए, सब है जाने पत्नी। बोलो राधे 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 राधे, जोड़ते बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब भाई ब्रजभाषा के लिए कहा गया तो बीच में पुट लगा रहा हूं ब्रजभाषा का, वरना कथा तो हिंदी में ही कहूंगा। तो मंदोदरी साथ में, मंदोदरी जानती जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है वरना रावण और पत्थर तैरा दे। बोले महाराज, महलों में जब अकेले में पहुंची, बोले महाराज सुनिए, ये तो ठीक है आपने पत्थर तैरा दिया, लेकिन सच बताइए पत्थर तैराया कैसे, पत्थर तैराया कैसे? वो पत्थर तैरे तो समझ में आया कि उस पर राम नाम लिखा गया था तो पत्थर तर गए, लेकिन आपने तो कुछ लिखा भी नहीं और पत्थर बिना लिखे ही तर गया, जरूर कोई भीतर बात छिपी है, वो बात बताओ। बोले देवी तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, देखो किसी से कहना नहीं, गुप्त बात है। बोले कहिए क्या बात है? बोले वहां राम के नाम ने पत्थर तैराया, यहां भी राम के नाम ने पत्थर तैराया, रावण के नाम ने नहीं। बोले आपने तो राम लिखा ही नहीं। बोले लिखा ही तो नहीं, तुमने देखा था मैंने आंखें बंद करके कुछ कहा था? बोले मंत्र पढ़ा होगा कोई। बोले मंत्र नहीं पढ़ा, मैं उस पत्थर को धमकी दे रहा था। राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। धमकी दे रहे थे? बोले क्या कह रहा? बोले मैंने उस पत्थर से कहा, अरे सुन तुझे तेरे राम की सौगंध, मेरे की नहीं, मेरा तो शत्रु है, तुझे तेरे राम की सौगंध, आज तुझे इस पत्थर, तू पत्थर है, इस पानी पे तुझे तैरना पड़ेगा। तो राम की सौगंध को वो पत्थर कैसे झुटला सकता था, तो वो पत्थर तैर गया। इसमें मेरा बड़कपन नहीं, राम का ही बड़कपन। वहां राम के नाम ने पत्थर तैराया, यहां राम की सौगंध ने पत्थर तैराया। नाम राम ही का था, रावण का नाम कहीं भी नहीं था। बोलो राधे राधे राधे, यही बात है। तो राम का नाम वैसे रामायण में लिखा गया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाए। स्वयं राम भी अपने नाम का गुणानुवाद करने बैठे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें भागवत की ओर बढ़ना है, कथा की ओर नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी महाराज ने जब उस मृग के बच्चे को देखा तो सोचा इसका लालन पालन कौन करेगा, तो ख्याल आया क्यों ना इसको मैं ही ले आऊं। तो भरत जी महाराज उसको ले आए, अपने साथ में रखने लगे और उसका पालन वैसे करने लगे जैसे एक पिता अपने बेटे की रक्षा करता है, लालन पालन करता है। एक दिन मृगों का समूह आया, मृगों का झुंड आया और उस मृग के बच्चे ने देखा मेरी जैसी जाति के लोग तो ये हैं, तो उसी झुंड में मिलकर वो मृग का बच्चा चला गया। भरत जी महाराज को इतना प्रेम हो गया था उस मृग के बच्चे से, खाते पीते उठते बैठते हर समय बोलते थे मृग मृग मृग, और इस तरह से जैसे राजा दशरथ को राम से प्रेम हो गया, राम है तो प्राण है, राम नहीं तो प्राण नहीं, ठीक वैसे ही भरत जी को मृग से प्रेम हो गया। जब तक मृग था महाराज उसकी रक्षा करते रहे, और जब मृग चला गया तो मृग के मोह में महाराज भरत का प्राण छूट गए दूसरे जन्म में। कहते हैं अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती है, तो उनकी गति हुई। दूसरा जन्म उन्हें मृग का मिला, फिर उनको वहाँ याद रहा, गलती का स्मरण हुआ कि मैंने सुंदर मानव शरीर पाकर भी
ईश्वर को प्राप्त नहीं किया बल्कि मृग के चक्कर में मानव शरीर को गंवा दिया, तब जो है तीसरा जन्म उनको मिला एक ब्राह्मण के घर में, और वहां पर भी उनको जो है ब्राह्मण के घर में जब जन्म मिला अनजान बने रहे, लोग उन्हें जड़ भरत कहते हैं, और जड़ भरत बनकर ही उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो आइए, भागवत में अनेक अनेक प्रसंग हैं,